आज सबसे पहले तो मैं विपुल जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक बड़ा स्तुत्य कार्य उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फरीदाबाद की जमीन पर स्थापित कर किया है। मैं मानता हूं कि हरियाणा राज्य इस सबसे बड़े तिरंगे के लिए सबसे ऊंची स्थान है, क्योंकि ये वीरों की भूमि है। महाराज भारत काल से लेकर आज तक हिंदुस्तान के भाग्य बदलने वाले सभी युद्ध इसी धरती पर हुए हैं, और आज भी हरियाणा के हर तीसरे घर से सेना में एक जवान देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन देने के लिए देश की सीमाओं पर है। इसलिए इस तिरंगे के लिए सबसे ऊंची स्थान हरियाणा ही है। मित्रों, ये तिरंगा बहुत मशक्कत के बाद, बहुत बलिदानों के बाद हमारे देश की जनता को मिला है। आजादी के पहले ही इसकी कल्पना कर ली गई। बलिदान, शांति और विकास के तीन प्रतीक रंग को समाहित किया है, और अशोक चक्र जो सम्राट अशोक प्रियदर्शी का सबके प्रति न्याय का प्रतीक था, उसको भी इसके अंदर रखा है। आज हरियाणा और देश में दोनों जगह बलिदान को प्रेरित करने वाली, शांति को आगे बढ़ाने वाली और विकास को तेज गति से आगे ले जाने वाली सरकारें हैं। और आज का दिन जब रक्षा दिन है तो एक कर्तृत्व का दिन है। मैं लंबा भाषण नहीं करना चाहता। मैं आज इस मंच से आप सभी के माध्यम से सेना पर जो जवान अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो सभी जवानों को यहां से याद कर ये झंडा उनको समर्पित करने का अपील करता हूं। और वो जो जवान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, मैं मानता हूं कि झंडा हमेशा ये विशाल आकाश के नीचे उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता रहेगा, और हम सभी को चेतना और देशभक्ति की याद दिलाता रहेगा। मैं फिर से एक बार आज विपुल भाई और उनकी नव चेतना ट्रस्ट की पूरी टीम को बहुत हृदय से बधाई देता हूं, और विशेषकर श्री कुलदीप सिंह जी जो महावीर चक्र प्राप्त है और लौंगोवाल पोस्ट की इतिहास में अपना नाम दर्ज करने वाली लड़ाई लड़कर आज हम सबके लिए उपस्थित हुए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना एंड एमआरएस सिरिसेना टू इंडिया। और उन्होंने कहा कि आई वेलकम मिस्टर सेन प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। और पुरस्कार प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एमआरएस सेन।